भारत की नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने देश के 263 अलग अलग दवाई बनाने वाली कंपनियों को कुल मिलाकर 928 करोड़ रुपए के नोटिस भेजे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स अनंत कुमार ने बताया कि संस्था ने यह कदम वर्ष 2015-16 में दवाई कंपनियों द्वारा दवाइयों की कीमतों में की गई मनमानी को देखते हुए उठाया है। उन्होंने कहा, NPPA की ड्यूटी है सभी कंट्रोल्ड एंड डी